लॉकडाउन में कोडरमा जिले के मशहूर पर्यटक स्थल तिलैया डैम में सन्नाटा पसरा है। कोरोना को लेकर लॉकडाउन में डबल डेकर बोट करीब डेढ़ महीने से नदी के धारा के किनारे लगी हुई है। ना कोई पर्यटक पहुंच रहे हैं और ना ही नाव चल रही है। डैम में जीविकोपार्जन करने वाले नाविक ने बताया कि यहां अब कोई नहीं आ रहा, जिससे रोजगार पूरी तरह से ठप है। सरकार द्वारा मुहैया खाद्य सामग्री से घर का चूल्हा जल रहा है। यहाँ का जायजा लिया सहयोगी आर्यन श्रीवास्तव ने। पिछले 40 दिन से यहाँ एक भी पर्यटक घूमने को नहीं आए हैं और देखा जा सकता है यहाँ पे जो सन्नाटा है, नावें जो हैं वो खड़ी हैं यहाँ पे, और एक भी व्यक्ति यहाँ घूमने नहीं आता है। लोग जो लॉकडाउन का पालन है उसको लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो जागरूक दिख रहे हैं अपने आप में, कि लोग नहीं ये सोच रहे हैं कि घरों से बाहर निकलना है या उन्हें कहीं पिकनिक स्पॉट पर कहीं जाना है। साफ यहाँ पर जो सन्नाटा है वो देखा जा सकता है। नाविक हैं हमारे साथ, यहाँ पे मौजूद हैं। पिछले 40 दिन से एक भी नाव यहाँ से चली नहीं है। इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति है। नाव जो है वो नहीं चली है 40 दिन से, क्या स्थिति है यहाँ? कोई से बेकार इतना हो गया मरुति के, जो को पैसा उसा नहीं कमा रहे, को पैसा नमक रोटी नहीं चल रहा, जो सरकार दे रहे तनी मनी अनाज उसी पर जी खा रहे हैं, इसी तरह रह रहे हैं। अब इतना बंदी हो गया, कहीं गाड़ी उड़ी दुनियादारी को संसार नहीं चल रहा है। सब इस तरह यही से पर्यटक से आदमी आता था, घुमाते थे, दो पैसा कमाते थे और सब परिवार खुशी से रवि न खुश घूम रहे हैं। पर्यटक लोग की क्या स्थिति है? कोई आता है? कोई नहीं आता, ये भी चलते कोई भी नहीं आ रहा है दर्शन करने के लिए, इतना समस्या, समय खराब। ऐसे में जो सरकारी राशन है वो इन तक तो उपलब्ध हो पा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो इन लोगों की आर्थिक स्थिति है वो काफी खराब हो गई है। सहयोगी रवि के साथ आर्यन श्रीवास्तव, न्यूज 11 भारत, कोडरमा।